जय श्री श्याम। नववर्ष 2020 4 जनवरी दिन रविवार को सायं 4 बजे ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर गांव में इकोटेक 3 के थाने के पीछे कैलाश नेचुरोपैथी के गेट के सामने एक शाम कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी शाम प्रेमी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के जितने भी एनसीआर के सभी शाम प्रेमी एकत्र हो रहे हैं। एक अभूतपूर्व आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में भजन सम्राट शीतल पांडे जी मुख्य रूप से आ रहे हैं, जिनके साथ में राजू हंस पानीपत से आ रहे हैं। आप सभी शाम प्रेमियों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और शाम प्रेमी होने का लाभ उठाएं। सभी भक्तजनों को मेरा हाथ जोड़कर जय श्री श्याम। मैं श्री खाटू श्याम सेवा समिति से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहित कुमार शर्मा। हमारी समिति 25 दिसंबर को एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, जिसमें हम गरीब लोगों को, जो हमारे पास पुराने कपड़े होते हैं कुछ नए भी, हम सभी गरीब लोग, बच्चे जो भी हैं, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं, हम उनको दान करेंगे 25 दिसंबर के दिन। और हम ये भी चाहते हैं अगर कोई भी श्याम प्रेमी इसमें अगर सहयोग करना चाहे या कोई भी इन गरीब बच्चों को हमारे साथ दान देना चाहे तो हमारी समिति से संपर्क कर सकता है, जिसके संपर्क सूत्र हम आपको दे देंगे इसी के अंदर। और जो भी हमसे जुड़ना चाहें, 4 जनवरी को हमारे भैया जी ने बताया प्रोग्राम है, जिसमें शीतल पांडे जी आ रहे हैं, राजू हंसराज जी हैं और भी श्याम प्रेमियों का सहयोग है। सभी का बहुत ही अच्छी भजन संध्या होगी। आप लोग आएँ, धर्म का लाभ उठाएं, बाबा श्याम के बारे में जानें, बाबा श्याम को दर्शन करें, उनके अखंड ज्योति होगी, ज्योति प्रचंड होगी। तो इतना ही कहना चाहूँगा, जय श्री श्याम सभी को। जय श्री श्याम। मेरा नाम सुधीर खंडेलवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष खाटू श्याम समिति से। आप सभी आमंत्रित हैं। 4 जनवरी को खाटू श्याम सेवा समिति का विशाल जागरण हो रहा है, परी चौक ग्रेटर नोएडा। जय श्री श्याम। मेरा नाम सागर सिंगल, मंडी सामनगर से बिलोंग करता हूं मैं। हम लोग 4 जनवरी को खाटू श्याम जी का प्रोग्राम करा रहे हैं, जिसमें हमारे शीतल पांडे जी आ रहे हैं और भी कलाकार बहुत आ रहे हैं। लेकिन हमारा प्रोग्राम करने का मेन उद्देश्य ये है, जो भी हमारे लोग हैं जो खाटू श्याम जी के बारे में नहीं जानते, उन लोगों को सिर्फ हम ये दिखाना चाहते हैं कि बाबा के प्रोग्राम में कितनी, बाबा के नाम में कितनी शक्ति है और बाबा के पास जाने से लोगों के कितने काम बनते हैं। हमारा मेन उद्देश्य सिर्फ गरीब लोगों की मदद करना है और बाबा का नाम हर गांव-गांव में, जो लोग नहीं पहचानते बाबा को, उनको बताने के लिए हम ये लोग प्रोग्राम करते हैं और महीने में बाबा का कीर्तन भी कराते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग पहुँचें। और मैं आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करूँगा कि 4 तारीख को सब अधिक से शाम प्रेमी बाबा के प्रोग्राम में पहुँचें और बाबा का अधिक लाभ उठाएँ। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मैं खाटू श्याम सेवा समिति तुगलपुर से, महेश कुमार चौधरी, गांव हामिदपुर जेवर के पास से। और मैं सभी से नम्र निवेदन ये करता हूं कि हमारे यहां तुगलपुर परिचौक पर 4 तारीख को खाटू श्याम जी का जागरण है, जिसमें सभी श्याम प्रेमियों से मैं आग्रह करता हूं कि सभी आएं और दर्शन का लाभ उठाएं। और हमारा दूसरा उद्देश्य यह है कि हमारी बस यात्रा हर महीने खाटू श्याम जाती है, जो भी प्रेमी जाना चाहे वो जा सकता है और जिसके पास पैसे ना हो उसके लिए फ्री सेवा। जय श्री श्याम। मेरा नाम हेमंत कुमार शर्मा, निवास स्थान दनकौरी स्टेशन, मंडी श्यामनगर, श्री खाटू श्याम सेवा समिति का कोषाध्यक्ष भी हूँ। और सबसे पहले मैं अपनी समिति के उद्देश्य के बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। ये श्री खाटू श्याम सेवा समिति एक पंजीकृत संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों की सेवा करना, असहाय लोगों की सेवा करना और बिना साक्षर को साक्षर बनाना, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। समिति 25 दिसंबर को अपना एक कार्यक्रम के दौरान गरीब बच्चों को जूते कपड़े भेंट कर रही है। जो भी जितने भी गरीब बच्चे हैं वो आकर तुगलपुर परिचौक पे आकर इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। समिति श्याम प्रेमी बढ़ाने का काम भी करती है, समय समय पर छोटे छोटे बड़े बड़े प्रोग्राम्स कराती रहती है। तो सभी से मेरा आग्रह है कि जो 4 जनवरी का प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसमें आकर अपनी भूमिका निभा सकते हैं, कोई सहयोग करना चाहे सहयोग भी कर सकते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। मैं दीपक गोयल, मंडी श्याम नगर दनकौर स्टेशन से, खाटू सेवा समिति से जुड़ा हुआ हूँ और इसका समिति का सदस्य हूँ। और मेरा कहना ये है सभी लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। 4 जनवरी का हमारा बहुत बड़ा विशाल जागरण हो रहा है। सबकी समिति सबकी सेवा से ये प्रोग्राम करा रहे हैं, सभी का हमें सहयोग चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि सब लोग आएँ और बाबा का आशीर्वाद लें। और हमारी एक कमेटी ये सेवा करती है, बसों बस ले जाती है,
सभी शाम प्रेमियों को, तो हम उसको उसमें डाल देते हैं मैसेज को, जिस भक्त को जाना हो वो हमको बता सकते हैं, जिसके पास जाने की क्षमता हो जा सकता है, जिसके पास नहीं है वो भी जा सकता है, हम अपनी तरफ से उनको ले जाते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।